विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आदिशक्ति माँ भवानी के चैत्र नवरात्रों के पावन अवसर पर भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल रजिस्टर्ड के तत्वावधान में लाजपत नगर स्थित माँ भगवती का बड़ा ही सुंदर दरबार सजाकर महिला भक्तों द्वारा माँ भगवती की असीम कृपा से समिति के अध्यक्ष मधु बंसल के नेतृत्व में प्रतिदिन सायंकाल की बेला में महामाई का गुणगान किया जाएगा। वहीं आदिशक्ति माँ भवानी के चैत्र नवरात्र में किए जाने वाले कार्यक्रम की तैयारी को देकर एक बैठक का आयोजन कार्यक्रम स्थल में समिति की सचिव अनीता श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया। बैठक में उपस्थित समिति से जुड़े समस्त पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षमता के अनुसार कार्यभार सौंपा गया। इस वर्ष भी कार्यक्रम को बड़े ही सुंदर और भव्य रूप से सम्पन्न कराए जाने के लिए विचार विमर्श किया गया। उपस्थित महिला भक्तों द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने अपने विचार रखे गए। 71 बार भक्तों द्वारा माँ भगवती को भोग लगाया गया और माँ माई का गुणगान हुआ। बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष मधु बंसल, उपाध्यक्ष सरिता गुप्ता, सचिव अनीता श्रीवास्तव, मोनिका बंसल आदि महिलाएं मौजूद रही। महिला संकीर्तन मंडल की उपाध्यक्ष, मेरा नाम सरिता गुप्ता है। आज की हमारी अहम क्योंकि हमारे परसों से ये नौ दुर्गों का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें हमारे लगातार नौ दिन यहीं पर एच नहीं बी 800 में निरंतर कार्यक्रम चलता है 9 दिन, और सबकी सेवा का को लेकर आज यहाँ पर ये बैठक की गई है, किस किस को क्या क्या सेवा करनी है। और नवमी के दिन भंडारा, और वहाँ पर जो हमारा एक मेन कार्यक्रम है वो है 111 ज्योत की आरती, जो भक्तों के द्वारा की जाएगी, और 108 की ज्योत देवी जी के आगे निरंतर हमारे 27 सालों से चलती आ रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे धर्म प्रेमी, क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त जनों से यही हमारा संदेश है कि दूर दूर तक भक्त क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी भक्त जनों को मैं हिंदू भक्त से जोड़ना चाहती हूँ कि वो जुड़े और हिंदुओं के साथ अपना स्तर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।